आज भाई हम सारे लगभग 50-60 के करीब एलसी और सीपीएलओ अपनी मांगों को लेकर रोहतक में एडीसी मैडम और डीसी साहब से मिले हैं। डीसी साहब को हमने अपना ज्ञापन दिया है कि एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाना चाहिए और सभी को बढ़िया टेक्निकल लेवल की सैलरी प्रदान की जानी चाहिए। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं आपको हुड्डा साहब। राम राम भाई सारे ने। आज भाई अपने एडीसी और डीसी दोनों को ज्ञापन दिया है, साथ में डी करीम थे। अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। सबसे पहली मांग थी भाई सीपीएलओ को, एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाए। दूसरी मांग थी अपनी सैलरी को लेकर, तो मैडम ने पहले तो डीसी साहब को दिया था, उन्होंने अपनी मांग ले ली थी डीसी और सीएम साहब को देने के लिए। फिर एडीसी मैडम को अपना ज्ञापन दिया है। मैडम ने पूरी संतुष्टि के साथ अपने को बताया है कि क्या क्या आगे होने वाला है, क्या क्या वो प्रोसेस करेंगी। सबसे पहली बात है, जहाँ पर भी भाई मैडम ने हमने मांग रखी थी जी एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाए, तो मैडम ने बताया कि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते किसी को, लेकिन जहाँ खाली जगह हैं, जहाँ भी खाली जगह हैं, वहाँ पर जहाँ एलसी बचे हुए हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको लिखित में दे दो हमको, हम कन्वर्ट करवा देंगे। फिर अपनी मांग थी भाई सबसे बड़ी जो है सैलरी की, कि एंट्री वगैरह होंगी कमीशन बेस होगा, लेकिन हमने कहा जी कमीशन बेस पे काम नहीं चला है, ना 6,000 में काम चला है। तो उन्होंने कहा है कि आपको फिक्स किए जा रहे हैं 9,000 रुपये, 9 और 6 15,000 रुपये आपके टोटल दिए जाएंगे गांव की गांव में। फिर उन्होंने कहा है कि आपको 300 एंट्री दी जाएंगी, जिसमें से आपको लगभग 50% से प्लस करनी पड़ेगी, 50 से 75% के लगभग करनी पड़ेगी। साथ में उन्होंने कहा है कि जब तक कंप्लीट कर दो आपके 9,000 रुपये फिक्स हो जाएंगे। और के दिन इसमें बताया गया कि भाई हर एंट्री के 30 रुपये मिलेंगे, इसी प्रकार से 300 एंट्री के हो गए 9,000 रुपये, 6,000 पंचायत देगी, 9,000 रुपये देगी एडीसी ऑफिस भी यानी क्रेडिट डिपार्टमेंट देगा, तो 15,000 रुपये इसके लिए हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एलसी ने अपनी ये मांग उठाई कि सीपीएलओ को तो मिलेगी एक एंट्री के 30 रुपये, जबकि एलसी को एक एंट्री का 20 रुपये दिया जा रहा है, तो ये भी देखा जाए तो एक तरह से गलती है। तो उन्होंने कहा कि आप ये भी आप हमें लिखित में दो, तो जितने भी 22 वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे हम कहेंगे कि ये सारे अपने अपने एडीसी ऑफिस में ये रिटर्न में अप्लीकेशन दें एडीसी को कि सबकी समान वो होनी चाहिए एलसी की और सीपीएलओ की, और जितने भी एलसी है उनको भी एक एंट्री के 30 रुपये मिले, और अगर उनके पास 300 एंट्री नहीं भेजी जाती है तो उनको भी 9,000 रुपये फिक्स दिए जाने चाहिए। और भाई ये रिटर्न में साथ में एक चीज़ और भी देनी पड़ेगी, अगर किसी नज़दीकी पंचायत में कोई सीपीएलओ की पोस्ट खाली है तो उसके लिए भी लिख के देना पड़ेगा आपको कि हम नज़दीकी गांव में भी जो है ना सीपीएलओ का काम करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमें नज़दीकी गांव में सीपीएलओ की ज्वाइनिंग दे दी जाए, हम वो काम करने के लिए संतुष्ट हैं, राजी हैं। साथ में भाई ये भी बोला गया है कि जितने भी अपने सीपीएलओ भाई हैं उनको सीटिंग भी दी जानी चाहिए। जो भी बाकी इस बात को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी अपने अपने एडीसी ऑफिस में ये ज्ञापन लिख के जरूर दें भाई। एक भाई सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि आप क्रेडिट डिपार्टमेंट के अंडर नहीं है, पंचायत डिपार्टमेंट के अंडर, हाँ तो अपना लेखा जोखा सारी चीज़ सीपीएलओ जो वो पंचायत डिपार्टमेंट के अंडर है, वो तो अपना लेखा जोखा जो भी काम होंगे वो पंचायत डिपार्टमेंट करेगा, वो सीडिंग देगा, वही सारे काम करेगा अपने, ठीक है। और भाई अपने साथ आए हैं और भाई उनसे बात करेंगे भाई। भाई आपने ज्ञापन दिया आज, तो आपका क्या मानना है कि उम्मीद है कुछ एलसी की सीपीएलओ में कन्वर्ट होने की? मैडम से बात करी आपने, डीसी सर से बात करी है? नमस्कार भाई सारे ने। भाई हमने मैडम से आज बात करी, कुछ आश्वासन मिला हमने मैडम से, कुछ बताया भी मैडम ने ऐसे ऐसे रिटर्न में लिख कर दो, तो हमने ये सब कुछ लिख कर देना पड़ेगा, जब भी हमारा कुछ आगे होगा तो सभी जगह दो, बढ़िया रहोगा। एक सबसे ज़रूरी बात यह है भाई, जितने भी ऐसे एलसी हैं जिनको एलसी कोड अलॉट नहीं हुआ, अपने जेड करी उनकी एक लिस्ट बनाओ, अपने जेड करीम से आप डिस्कस करके और वो एडीसी ऑफिस में दो, आपको जल्द से जल्द सारे एलसी कोड अलॉट कर दिए जाएंगे भाई। धन्यवाद।